मतदान से पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखाई देने लगे हैं। प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह, फिल्म स्टार सनी देओल और महाबली खली ने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो करके आम आदमी पार्टी के कफन में आखिरी कील जड़ दिया है। 7 साल पहले एक जन आंदोलन से पैदा हुई पार्टी 3 व्यक्तियों तक सिमट कर रह गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की राजनीति में मील का पत्थर और झूठ फरेब की राजनीति करने वालों के लिए सबक साबित होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले की स्थिति पर बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दिल्ली विधानसभा के संभावित नतीजों के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। चलो अब शुरू करते हैं। मतदान से पहले ही दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने हरी नगर में भाजपा उम्मीदवार तजिंदर पाल सिंह बग्गा के हक में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो के दौरान देश के गद्दारों को वाला नारा भी जोर शोर से लगाया गया। फिल्म स्टार सनी देओल ने उत्तम नगर में भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण गहलोत के हक में रोड शो करके माहौल को बदल दिया। सनी देओल को देखने के लिए पूरी दिल्ली से उनके फैन आए हुए थे। महाबली खली ने चांदनी चौक विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार सुमन गुप्ता के लिए प्रचार किया। पहलवान खली ने मजनू का टीला क्षेत्र में रोड शो और पद यात्रा करके मतदाताओं को भाजपा को वोट देने की अपील की। आम आदमी पार्टी का जन्म 7 साल पहले अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन से हुआ था। सैकड़ों युवा अपनी नौकरी छोड़कर देश के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बनकर रह गई है। किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और आशुतोष जैसे बड़े नाम आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक सीमित होकर रह गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नक्शा बदलने में युवाओं और महिलाओं की खास भूमिका रही है। यहाँ खास तौर पर चीन से वोट देने के लिए आई महिला नम्रता उपाध्याय का जिक्र जरूरी है। नम्रता उपाध्याय पिछले 20 दिन से दिल्ली में घूम घूम कर मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित कर रही है। पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुकी नम्रता उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार मानती है। शहीन बाग के धरने से खफा होकर नई दिल्ली की महिलाओं ने अपनी आवाज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बुलंद कर दी है। निर्भया कांड के दोषियों से नरमी बरतने से भी महिलाएं अरविंद केजरीवाल से नाराज हुई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले होंगे। दिल्ली के मतदाताओं का मूड बता रहा है कि मुफ्तखोरी पर राष्ट्रवाद भारी पड़ रहा है। जात बिरादरी के नारों पर नेता और पार्टी की प्रामाणिकता का महत्व ज्यादा है। दिल्ली की हवा बता रही है कि धर्म की ओछी राजनीति करने का नतीजा उल्टा भी निकल सकता है। इंटरनेट के इस युग में मतदाता इतना भोला नहीं कि उसे ठगा जा सके। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे झूठ फरेब की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए सबक देने वाले साबित होंगे।